हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो अभी मैं जा रही हूँ बीच। भी अच्छा नहीं लगता और आज देख ही सकते इतनी अच्छी धूप है और गर्म भी है। आज ना बीच जाया जाए और खुद के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, थोड़ा रिलैक्स किया जाए, क्योंकि बीच पे जो ब्रीज होती है उसकी हवा से इतना अच्छा फील होता है ना। जो जो बीच जा चुके होंगे और जिन जिन का मन होगा उन्हें पता होगा कि क्या क्या उसमें मतलब अच्छा फील होता है। तो मैं अभी जा रही हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे संडे को कैसे अपनी मम्मी बच्चे को एकदम ध्यान देते हुए, सनी डे है तो आज पूरा पार्क भरा हुआ है, वरना ये एकदम खाली हो गया था पार्क। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था तो आज इतने लोग बाहर है, इतनी भीड़ है। आज देखिए यहाँ पे भी इतना भीड़ आ रखी है, सब कुछ पूरी स्नो मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं बीच जा रही हूँ तो मेरे को यहाँ से कैथेड्रल से बस मिलेगी 203, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे खड़े होके। तो मिलती हूँ आपको वहीं पहुँच कर। तो बहुत मेमोरियल टाइप का, अभी मेरी बस ने मुझे यहाँ उतारा है तो मैं यहाँ से जाऊंगी। आप वो सामने देख सकते हैं जो भी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो वो तो है बीच। उसके आगे है रिवेरा वाली साइड जहाँ पे हमारा मॉल है, और ये है यहाँ का कुछ वॉर मेमोरियल टाइप का ही है क्योंकि यहाँ पे हमेशा फायर जलती रहती है। तो अभी मैं यहाँ पे वॉर मेमोरियल पे आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि ये शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया हुआ है। और यहाँ पे ये पीछे सबके यहाँ पे नाम लगे हैं, ये देखिए हस्की। यूनिकॉर्न कितना भीड़ है, इतने लोग आ रखे हैं, आप देख ही सकते हैं पूरे में कार ही कार है, वहाँ पे भी पूरे में कार, लोग आए जा रहे हैं। आज मौसम अच्छा है और यहाँ पे आप देखिए बच्चे, बच्चों की तो भसड़ मची है यहाँ पे। आज तो बच्चे ही बच्चे हैं, बेचारे बच्चे बाहर कर निकल नहीं पाते हैं, क्या करें बाहर। अब आज धूप निकली तो उनके घर वाले लाए उन्हें। अंदर डॉल्फिन शो चलता है। तो अभी मैं यहाँ पे लैंड्रॉन पहुँच चुकी हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने तो सोचा था एक बहुत भीड़ ही भीड़ है, अब मेरे आगे पीछे देख रही हूँ और लोग आए जा रहे हैं। लग रहा है कि समर आ गया है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी तो धूप निकलती है। अब देखिए ये जो पीछे पानी है इसकी आवाज़ सुन के इतना अच्छा फील होता है ना, अंदर से एकदम रिलैक्स लगता है। तो यहाँ पे ठंड तो बहुत लगती है बट यही जो मौसम है यही सबसे बढ़िया है। ये जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं तो ये सिर्फ यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे आती हैं, ये कहीं से माइग्रेट होके आते हैं। तो उनसे उतरी थी वहाँ पे और वहाँ पे बहुत भीड़ है तो मैं थोड़ा चल के आई उधर की साइड। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम खाली, जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो जगह मुझे मिल गई। और वो ओडेसा का पोर्ट है, और ये मैं हूँ यहाँ पे अपना इंजॉय करते हुए।
बहुत रिलैक्स फील होता है यहाँ पे आके एकदम। ये पानी की जो आवाज़ है आपको भी आ रही होगी, मैं थोड़ी देर चुप होती हूँ। आई सुनी आपने ये आवाज़। और यहाँ पे इतने सारे ये बर्ड्स वगैरह कुछ है, तो अगर आपको पता ये कौन सी है तो आप बताना कमेंट में लिखकर कि कौन सी बर्ड्स है या फिर क्या है ये। इधर यहाँ पे एक और इंसान आया है अपना मैट और साइकिल लेके अच्छे से अपना एंजॉय करने। यहाँ पे एकदम शांति है। मैं बीच की साइड नहीं गई क्योंकि वहाँ मिट्टी मिट्टी हो जाती है। मैं आई हूँ तो ये पूरा यहाँ पे डिस्कार्डेड सामान है, तो ये बोट पड़ी है और यहाँ सारा काम वगैरह का सब कुछ है। और मैंने एक और चीज़ डिस्कवर करी यहाँ पे, चेस्ट प्रेस के लिए भी एक रखा हुआ है, ये लगा हुआ है गेट फ़ोटो खींचने के लिए। गेट लगा है इसकी यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है ओडेसा के टूरिज्म पेज पे। और अब यहाँ पे अगर इसको स्कैन करेंगे स्क्रीनशॉट लेके तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको बोलते हैं हाउस ऑफ द सन। इधर मैं पूरा घूम फिर के जा रही हूँ वापस। ये एरिया है पार्क शिव चेंको है ये, तो यहाँ से अभी मैं वॉक करते हुए या फिर बस अगर आ गई 5 मिनट में तो चली जाऊँगी बस से, अदरवाइज अपना चली जाती हूँ क्योंकि अब धूप जा रही है और ठंड बढ़ने लगी है। ये देखिए ऐसा मौसम हो जाता है कि चढ़ जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो इतना गंदा यहाँ पे मौसम रहता है। और वो देखिए उधर की साइड पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। मिनट में भी बस आ चुकी है तो मैं इसी में जाऊँगी। तो गाइस मैं अभी यहाँ से पैदल ही जा रही थी क्योंकि वो बस गलत थी, चलते चलते यहाँ से जा रही थी। और देखिए मैंने क्या देखा, यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस में यूक्रेन लिखा हुआ है, तो ये देखिए हिंदी में भी यूक्रेन लिखा है। और ये गोल्डन आर पीरियड, इसमें इतनी अच्छी फील आ रही है इस टाइम यहाँ पर, आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है हुआ है। इसमें यहाँ पे कैप्स लोगों ने डाली हैं, आप देख सकते हैं ये जो सब कैप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स की। और बाकी लोग भी यहाँ पे बाहर रख के चले गए हैं उसमें, क्योंकि जगह अब नहीं है। अच्छा आइडिया है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं डस्टबिन के अलग अलग रिसाइकिल वगैरह। और आप ये देखिए मौसम इस टाइम पे, और ये जो पेड़ हैं 2 महीने बाद ग्रीन होने लगेंगे। वहाँ से चल के मैंने क्रॉस किया शिवचैन को पार्क, तो फिर मैंने ट्रैम पकड़ ली।